हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ पूरा दिन कैसे बिताती हूँ और उनकी किस तरीके से सेवा करती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को पहले उठा देते हैं। वो अभी सोए हुए हैं और अभी बजे हैं सुबह के 7। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, तो चलिए। तो मैं यहाँ पर कान्हा जी को उठा रही हूँ। कान्हा जी को प्यार से उठाना है। आप चाहें तो इन्हें लोरी सुनाकर भी उठा सकते हैं, लेकिन मुझे लोरी नहीं आती है, इसीलिए मैं कान्हा जी को प्यार से उठाती हूँ, जैसे काव्या को उठाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही। तो कान्हा जी देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी उठकर बैठ गए हैं। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को पानी दूंगी ताकि वो पानी पिए सबसे पहले, फिर उनके बाद मैं उन्हें दूध देती हूँ। मैं डायरेक्ट उन्हें नहीं अभी स्नान कराऊंगी, क्योंकि अभी ठंडी के मौसम है और ये देखिए काव्या क्या करिए, और ठंडी है अभी, बरसात जो है आती जाती रहती है, तो थोड़ा सुबह के टाइम ना ठंडी रहती है, सुबह 6-7 बजे तक ठंडी रहती है। तो जब तक कान्हा जी यहाँ पर दूध पियेंगे, तब तक मैं क्या करूँगी, कान्हा जी का जो बेड है, ये चादर है, इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि कान्हा जी का भी बेड अच्छा दिखना चाहिए, जैसे कि हम अपना रखते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन करके कपड़ों की घड़ी लगा के रख दिया है, और कान्हा जी का जो पालना है उसे भी ठीक से रख दिया है। तो मैं लेकर आ गई हूँ अभी गर्म पानी, और ये जो कान्हा जी के कपड़े हैं ये मैंने ही सिले हैं अभी। मुझे कान्हा जी के नाइटी कपड़े मतलब मंगाने हैं ऑनलाइन, लेकिन मुझे इस बार जो मैंने मंगाए थे वो मुझे इतने पसंद नहीं आए, तो देख रही हूँ मैं खुद से ही बना रही हूँ अभी। और मुझे आते नहीं हैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े बनाने, राधा कृष्ण के और माँ के तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल जी के मुझे नहीं आते हैं, लेकिन मैं सीख रही हूँ अभी और जल्दी से सीख भी जाऊँ। तो यहाँ पर हमें कान्हा जी को प्यार से स्नान करा रही हूँ अभी। काव्या भी मेरे साथ ही, वो बोल रही थी कि मुझे भी मम्मा स्नान कराना है लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी का स्नान हो गया है, तो मैं उन्हें अभी कपड़े पहना दिए हैं और तैयार कर दिया है मैंने कान्हा जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया है। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यार से बैठे हुए हैं। और ये जो पानी है ये मैं तुलसी में जाके डाल दूँगी। तो देखिए कान्हा जी को मैंने मंदिर में बिठा दिया है तैयार करने के बाद। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं बताइएगा। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान करा दिया है, दूध भी उन्हें दे दिया है पीने के लिए, और उन्होंने दूध पी लिया है। तो चलिए अब मैं करने वाली हूँ पूजा, तो पहले पूजा कर लेते हैं। तो पूजा हो गई है मेरी, आरती भी कर दी है मैंने। तो यहाँ पर अब मैं भगवान जी का आशीर्वाद ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कान्हा जी के लिए भोग, और माता रानी के लिए भोग लेकर आई हूँ, लड्डू गोपाल जी के लिए दूध लेकर आई हूँ। क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मैं दूध देती हूँ, सिर्फ भोजन मतलब भोग नहीं लगाती हूँ अभी उन्हें, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई हुई है और पानी भी रखा हुआ साइड में। तो चलिए पहले लड्डू गोपाल जी को हम दूध दे देते हैं पीने के लिए, और माता रानी और हमारे जो कृष्ण भगवान जी हैं उन्हें भोग लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे लड्डू गोपाल जी देखिए हमारे मंदिर में बैठे, उनका मुकुट निकल गया, कोई बात नहीं। तो हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर बैठा देंगे, क्योंकि उनके अभी जो मुकुट वगैरह है ये ड्रेस वगैरह चेंज करनी है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को अभी विश्राम करना है। दोपहर हो गई है, 1 बज गया है, तो दोपहर के 1 बजे मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर अभी दूध देने वाली हूँ पीने के लिए। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ पर बैठे हैं,
और दूध अभी नहीं दूंगी क्योंकि दूध थोड़ा गर्म है, तो मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है हमारी माता रानी को और ठाकुर जी को कहूँगी, उन्हें आग्रह करूँगी कि वो आकर जो मैंने इनके लिए बनाया है भोग वो ग्रहण कर ले। और यहाँ पर मैंने पानी भी रख दिया है और बाकी के जो भगवान हैं उनको भी मैं यही वाला जो भोग है यही वाला भोग लगाऊंगी। तो अभी काफ़ी समय हो चुका है तो मैंने अभी जो प्रसाद है वो हटा दिया है और ये प्रसाद जो है मैं और काव्या खा लेंगे। तो यहाँ पर जो कपड़े निकाले हैं मैंने, लड्डू गोपाल जी को अभी सुलाना है मुझे, तो यहाँ पर कपड़े चेंज करा दिए मैंने लड्डू गोपाल जी के और अभी हम इन्हें प्यार से अच्छे से सुला देंगे क्योंकि दोपहर को जो है मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ इसीलिए। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी सो जाएंगे और मैं उन्हें अच्छे से प्यार से सुलाऊंगी थपथपा के ताकि वो सो जाए अच्छे से और उन्हें प्यारी सी नींदिया आ जाए। तो लोरी भी बोल सकते हैं लेकिन मुझे लोरी इतनी नहीं आती है, मैं काव्या के लिए बोलती हूँ ओ खुशी मेरी सोन परी। तो लड्डू गोपाल जी के लिए भी यही वाली बोल देते हैं। तो चलिए फिर मिलूँगी बाद में आप लोगों से। तो लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं तो चलिए उन्हें उठा लेते हैं, अब बज रहे हैं शाम के 4। तो 4 बजे भी मैं लड्डू गोपाल जी को दूध देती हूँ तो 4 बज गए हैं और लड्डू गोपाल जी को मैंने उठा दिया है बड़े ही प्यार से और वो बैठ गए हैं उठकर। चलिए तो उन्हें दूध पिला देते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो वो सोकर उठे हैं तो मैं पहले उन्हें पानी दूँगी पीने के लिए फिर उसके बाद मैं उन्हें दूध दूँगी। दूध अभी गर्म है, थोड़ा सा हल्का गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं किया है क्योंकि ठंडी के दिन चालू हैं तो थोड़ा हल्का सा मतलब गर्म करती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ एकदम, और उन्हें एकदम ठंडा करने के बाद ही देती हूँ, ऐसे नहीं देती हूँ। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं और वो यहाँ पर बैठे हैं, उनकी थोड़ी सी मूछें बनाती हैं तो वो मैं साफ़ कर देती हूँ अपने हाथ से और ये कपड़े अच्छे से रखने वाली हूँ मैं अभी। तो मैंने झूला निकाला है यहाँ पर, जब तक लड्डू गोपाल जी दूध पियेंगे तब तक तो मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए इस पर बिठाऊंगी क्योंकि छोटे बच्चों को अच्छा लगता है झूले में झूलना। ये सॉरी हिल गया था थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने उनको बिठा दिया है यहाँ पर झूला झूलने के लिए। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी अभी झूला झूल रहे हैं प्यार से। तो मैं अभी किचन में जाऊँगी खाना वीना बनाने के लिए तो लड्डू गोपाल जी को अकेला अकेला ना लगे इसलिए हमने अपने बड़े वाले जो लड्डू गोपाल हैं उनको इनके पास में बैठा दिया है कि चलो अब दोनों भाई आपस में खेलते रहना और बातें करते रहना। तो अब मैं इन्हें मंदिर में बैठा दूंगी ताकि इन्हें अकेला अकेला ना लगे क्योंकि काव्या भी सो रही है, नहीं तो काव्या क्या करती है, काव्या लड्डू गोपाल जी को अपने साथ में रखती है, गाड़ी पर बिठाती है, खिलाती है। तो अभी इन दोनों काव्या भी सोई है इसलिए मैंने मंदिर में ही बैठा दिया इन्हें। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और 7 बजे मैंने पूजा की है, पूजा मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई कैसे की है, वैसे तो आप लोग को पता है पूजा कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर कान्हा जी के लिए और बड़े भाई लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आई हूँ मैं दूध, 7 बज गए हैं इसलिए। और मैं शाम को 7 बजे दूध देने के बाद ना रात को 10 बजे भी दूध देती हूँ और फिर 10 बजे मैं कान्हा जी को सुला देती हूँ। तो ये जो मैं शूट किया था ना वो थोड़ी सी क्लिप डिलीट हो चुकी है तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ वो वाली वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो मैं आप लोग को सिर्फ इतना दिखा रही हूँ कि देखिए कान्हा जी ने दूध पी के वो सो गए हैं और रात के 10 बजे मैं उन्हें सुला देती हूँ दूध पिलाकर। तो वो थोड़ी सी क्लिप जो है मुझसे डिलीट हो गई है इसीलिए नहीं दिखा पाई रात को दूध का जो 10 बजे मैं दूध देती हूँ वो वाली। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई। मैंने आप लोग के साथ आज के इस ब्लॉग में जो है कान्हा जी के साथ अपने रूटीन शेयर किए हैं। बाकी तो सब बराबर किया है लेकिन एक थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया है। जो मैंने रात को क्या होता है ना, मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी को रात को 10 बजे दूध देती हूँ और उनको दूध पिलाने के बाद ही उन्हें सुलाती हूँ, लेकिन वो क्लिप मुझसे थोड़ी सी डिलेट हो चुकी है क्योंकि ना मैं बाकी की जो मेरी जो कल का व्लॉग गया है ना वो की छोटी छोटी सी जो उसकी क्लिप थी ना तो वो मैं डिलीट करी थी लेकिन गलती से वो वाली क्लिप भी डिलीट हो गई मुझसे, तो इसीलिए वो वाली क्लिप गलती से डिलीट हो गई है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कान्हा जी को 10 बजे दूध देती हूँ पीने के लिए फिर उसके बाद में उन्हें 10 बजे सुला देती हूँ और फिर ना मैंने दोबारा सूट नहीं किया क्योंकि कान्हा जी को मैंने सुला दिया था। मैंने कहा अभी जो हो गया सो हो गया, मैं आप लोग को बता दूँगी फिर क्या हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे। और आप लोग को जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड जो है आजकल 10:30 से 11 बजे तक आते हैं तो मुझे बहुत काम है बेबी सॉन्ग लिख रही सुबह उठते उसका पहला काम बेबी सॉन्ग। तो मेरे को आजकल लेट मुझे आजकल ना लेट हो जाता है कैसे कि जब ये 10:30 या 11 बजे तक आते हैं तो फिर खाना वगैरह हम 11:30 बजे तक खाते हैं, फिर 11 बजे आएंगे तो 11:30 बजे तक का खाना खाते ही हैं और फिर किचन वगैरह साफ करने बर्तन वगैरह साफ करने वही 12:30 बज जाते हैं। फिर उसके बाद में 1 बजे अगर मुझे टाइम मिले तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ,
तो मुझे बहुत टाइम हो जाता है। और चलो कोई बात नहीं, आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और आप लोग को मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ मेरा सुबह से लेकर रात तक का रूटीन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसी लगी। तो ठीक है, चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।